अकबर जयपुर से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जयपुर जिला कार्यकारिणी के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में गलत टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पुतले को चूड़ियां पहनाकर दहन किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी व राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह मामडोली ने इस घटना पर पुरजोरों विरोध किया और कहा कि महापुरुषों का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर जयपुर जिला अध्यक्ष राम सिंह सुदरासन, राष्ट्रीय संरक्षक छगन सिंह राठौर, महिला प्रदेश अध्यक्ष नम्रता सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह, राहुल सिंह, विजेंद्र सिंह, टिंकू बना, सुरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह बिराणा, अजीत सिंह, विशाल सिंह, राहुल सिंह, गजराज सिंह, मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह व सैकड़ों की संख्या में करनी सैनिक उपस्थित रहे। जयपुर से बीएस शेखावत की रिपोर्ट। आला कमान से मांग करते हैं सोनिया जी से कि इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। गहलोत साहब से कहते हैं इनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। जो महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता वो क्या राजनीतिक पार्टी चलाएगा, क्या इस देश की जनता की सेवा कर पाएगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कटारिया जी बोलते हैं गुलाबचंद, कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपमान करते हैं महाराणा प्रताप सिंह जी का, तो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपमान करते हैं महाराणा प्रताप जी का। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देश के लिए राष्ट्र के लिए लड़े। अगर उनको राजनीति करनी होती ना तो इन सरकारों को 565 रियासतें दान में नहीं देते। हम लोगों ने दान में दी हमारे पूर्व